सो एज प्रोमिस कैलोरीमेट्री का थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये आप एच सी वी के चैप्टर 25 में ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैलोरीमेट्री तो इससे आसान चैप्टर जो है वो मतलब मुश्किल ही कोई आपको मिलेगा। राइट, बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, हिसाब किताब की इक्वेशंस लिखनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड हीट, हीट के बारे में इसमें बात होगी। राइट, तो बड़ा बढ़िया एच सी वर्मा जी ने लिखा हुआ है हीट के बारे में। द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एनर्जी ट्रांसफर एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, उसी को हीट बोलते हैं। ओके, कई बार रोजमर्रा की भाषा में हम ऐसा जरूर बोल देते हैं कि ये फला फला बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें ज़्यादा हीट है, बट वो गलत है फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि हीट बाय डेफिनेशन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड। इनफैक्ट इसी के नीचे वर्मा जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है राइट उसको हीट बोलते हैं, और एक बार ट्रांसफर हो जाए तो फिर वो इंटर एनर्जी बन जाती है, फिर वो हीट नहीं कहलाती है। ट्रांसफर होने के बाद वो इंटर एनर्जी कहलाती है, ट्रांसफर होने से पहले वो इंटर एनर्जी या मैकेनिकल भी हो सकती है, जैसे कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और हाथ गर्म हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करने पर जो हाथ गर्म हो रही है एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, इस प्रोसेस में कहीं हीट इन्वॉल्व नहीं है। यह एक और प्रोसेस जो आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो जीवन में, थप्पड़ खाना। यदि आपने कभी चाटा खाया है तो उसमें भी हीट इन्वॉल्व नहीं थी, हॉट हेड इन्वॉल्व था, जिसने मारा होगा उसका माथा गर्म हो गया होगा, वो भी कहने को गर्म। राइट, पर थप्पड़ मारी तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, इसमें हीट इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारने वाला पहले हाथ सेकता है और आपको बोलता है गाल पे आइस लगा अब मारूंगा, इतना टाइम थोड़ी होता थप्पड़ मारने में। ऑलराइट, तो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। फिर इसकी पुरानी यूनिट है कैलोरी। ऑलराइट, ये इसकी पुरानी यूनिट है, अब यूज नहीं करते एसआई यूनिट में, तो नहीं करते। इनफैक्ट पहले जमाने में हीट को एक सर्वव्याप्त थर्मल एनर्जी एंड एनर्जी को एक मान लेते थे, कैलोरी नामक फ्लूइड सब जगह भरा हुआ है और उसी को हीट कह देते थे। राइट, कैलोरी कह देते थे उसके मेजरमेंट को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी किताब में दे रखी है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। राइट, और वन कैलोरी का ऐसा यूनिट में कन्वर्जन 4.186 जूल। इनफैक्ट जूल वो पहले आदमी थे जिन्होंने प्रूव किया कि कैलोरी कोई अलग टाइप की एनर्जी नहीं है थर्मल एनर्जी, ये वही मैकेनिकल एनर्जी का ही और थर्मल एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब दोनों एनर्जी की ही फॉर्म है, ये प्रूव करने वाले जूल थे। ठीक है, फिर इसके बाद बड़ी सिंपल सी चीज थी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो क्या कहता है कि यदि दो बॉडीज हैं कॉन्टैक्ट में, राइट, तो इस बॉडी ने जितनी हीट लूज करी वो उतनी होगी जितने इसने गेन करी। क्या लिखा हुआ है, टोटल हीट गिवन बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसने यदि डेल्टा क्यू वन हीट दी और इसने डेल्टा क्यू टू रिसीव करी, तो डेल्टा क्यू वन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा क्यू टू। दैट्स व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री
स्टेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेक्शन 25.4 देखेंगे, तो वहां पे दो तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में, राइट। तो वहां क्या बोल रहे हैं कि एक बॉडी से एक्सचेंज्ड हीट वुड बी इक्वल टू मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट, जो कि प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की जिससे बॉडी बनी है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। एंड डेल्टा थीटा इज ऑब्वियसली चेंज इन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट सप्लाई करी है, टेम्परेचर घटा है तो हीट रिजेक्ट हुई। यदि टेम्परेचर बढ़ा है एस को पॉजिटिव मान के सोचेंगे, ऑलराइट, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट सप्लाई करी होगी एस को पॉजिटिव मान के, जो कि गैसेस के अलावा तो ट्रू ही रहता है मोस्टली, ओके। फिर आप आगे देखेंगे तो उन्होंने इसकी टेबल भी दे रखी, ठीक है। कभी कभी लेकिन बात कर लेते हैं हम लोग एक और टर्म की, हीट कैपेसिटी लिख के छोड़ देते हैं बस, इसको तो बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट, ओके, ये तो हो जाती है स्पेसिफिक हीट। एक टर्म कभी कभी आ जाती है हीट कैपेसिटी, राइट, ये यूनिट से पहचान में आ जाएगी। उसमें आपको फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा थीटा, तो देख के समझ में आता है हीट कैपेसिटी होगी एक बॉडी की प्रॉपर्टी। क्यों होगी बॉडी की? क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई एस और बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई मास, इनका मल्टीपल करके आपको सी आ जाएगा। एस की यूनिट्स कैसी दिखेंगी आपको? एस की यूनिट दिखेगी आपको जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, सी की यूनिट दिखेगी जूल पर केल्विन। ठीक है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि वाटर बहुत यूज होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैलोरी में होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ठीक है। तो किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट देने का एक बड़ा नया तरीका तो क्या, एक बड़ा अच्छा तरीका होता है वाटर इक्विवेलेंट। हम बोल दें एक बॉडी का, मैंने उठा के बोल दिया कि भाई ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का वाटर इक्विवेलेंट है 150 ग्राम। तो पता है मैं क्या कह रहा हूं, 150 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है एक ब्लॉक का। तो मैं एसेंशियली कह रहा हूं इस ब्लॉक की हीट कैपेसिटी 150 ग्राम वाटर के बराबर है। 150 ग्राम वाटर के बराबर मतलब इतने कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है। तो हीट कैपेसिटी देने का एक और तरीका क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट बोल देना। यह आपको जस्ट सेक्शन 25.5 जहां शुरू हो रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा।
तो ये इतनी सी डेफिनेशन चाहिए होती हैं, बाकी वो रेनॉल्ड सेपरेटर्स वगैरह दे रखा है, वो अपने इतने काम का है नहीं। ऑलराइट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन वैसे तो बचपन में सिखाते ही है, यही बता देते। ऑलराइट, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, ये कब काम आती है, फेस ट्रांसफ्यूजिशन के समय, क्योंकि उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता। राइट, तो जैसे कि यदि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो पिघलने का हो गया। लेटेंट ऑफ फ्यूजन कैसे काम आएगा कि भाई यदि हमको m मास ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेटेंट हीट का यदि आप यूनिट्स देखेंगे, यहाँ यूनिट्स का ही खेल है सारा, तो कितना हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम, बस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। जैसे कि हमसे ऐसा बोल दिया जाता है कि जी आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब इसमें क्या हुआ होगा, आइस टू वाटर बन गया होगा, 80 कैलोरी देंगे तो 1 ग्राम बन जाए, और इसमें क्या हुआ होगा, वाटर टू स्टीम बन गया होगा 1 ग्राम, यदि 540 देंगे, बस। तो इन सब चीजों पे आपको सवाल मिल जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल 25.3 आप ट्राई कर ले, चैप्टर में आएगा बीच में, आपने ट्राई कर भी लिया होगा। ऑलराइट, फिर मैं एक आध अच्छे सवाल ले लूँगा, फिर मेजरमेंट के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह बता रखे हैं। ऑलराइट, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में वर्कड आउट एग्जाम्पल जो है HCV का फर्स्ट, सेकंड थर्ड पर मुझे लग रहा है कि 6 ही तो है, आई डिस्कस ऑल सिक्स ठीक है। आप एक बार सब में पेन चला लें और नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर फिर आप देख लीजिए।